द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के जंग में अभी भी हमले रुके नहीं हैं। इजराइल अपनी हैवानियत से बाज आ नहीं रहा है। एक और जहां अमेरिका समझौते की गुंजाइश तलाश कर हमास पर दबाव बना रहा है कि युद्ध रोक दिए जाए, तो दूसरी तरफ इजराइल हमला करना जारी रखा हुआ है। गाजा से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए आप, ये तबाही का मंजर गाजा पट्टी की है। यहां पर जो हालात पैदा हुए हैं वो इजराइल ने किए हैं। इजराइल सारी रात गोले बारूद बरसाता रहा इन क्षेत्रों पर, जिसके चलते अब यह जो आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, इसमें मलबे में अपनों को तलाशते लोग दिखाई पड़ेंगे, बच्चों को लेकर भागते लोग दिखाई पड़ेंगे, हर कोई कोई घायल है, किसी की डेड बॉडी दिखाई पड़ रही है। मकान मंजर सब इतने खराब हो रखे हैं, स्थिति है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितने खौफनाक हमले इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जिद यही है कि फिलिस्तीन गाजा को कोई हक नहीं दिया जाएगा, और इसके चलते इतने खौफनाक दृश्य आप देखिए, अंदर से कांप उठेंगे। तो देखा आपने, यहां देखिए स्प्रिंटर नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा भी है, द मोमेंट्स आफ्टर अनदर इजरायली स्ट्राइक ऑन द गाजा स्ट्रिप। इजराइल ने जो स्ट्राइक किया गाजा पट्टी पर, उसके बाद का यह भयावह दृश्य है, भयावह मंजर है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही ही दिखाई पड़ रही है। इससे संबंधित एक और वीडियो हमारे पास है जो हम आपको दिखाते हैं कि गाजा में इजराइल क्या कर रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन तो वो कर नहीं सकता, ग्राउंड वाले युद्ध में वो हमास से जीत नहीं सकता, इसलिए हवाई हमले कर रहा है, लेकिन बड़ी चालाकी से। वो भी इस कदर हमले हो रहे हैं कि टारगेट में गाजा में हॉस्पिटल, चर्च, आम लोगों का ठिकाना, इन सब को इजरायली सैनिक टारगेट पर ले रहे हैं, जिसकी निंदा तो दुनिया भी कर रही है। अमेरिका जहां राहत सामग्री पहुंचाने के नाम पर गाजा की सहानुभूति, मिडिल ईस्ट की सहानुभूति, अरब देशों की सहानुभूति बटोरना चाहता है और इजराइल को उनके करीब धकेलना चाहता है, तो दूसरी तरफ इजराइल को हथियार देकर उसकी पीठ थपथपाकर कहता है कि जाओ गाजा को बर्बाद करो। ये दो मुहा जो रोल है अमेरिका का वो बेहद ही खतरनाक है। आइए एक और ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, इसमें भी जो तस्वीरें हैं, बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन के डिफेंस यूनिट पर हमला किया गया। यूनिस तिवारी नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया, जरा आप भी देखिए। यहां भी लोगों की भीड़ दिखाई पड़ेगी और फिर वहां मलबे दिखाई पड़ेंगे कि जहां तबाही मची, और इसमें भी जो लोग मर गए हैं उनकी तलाश की जा रही है कि उन्हें इस धमाके के बाद उनसे वहां से निकाला जाए। ये इजराइल के सैनिकों ने हमले किए और फिलिस्तीनी डिफेंस यूनिट को तबाह कर दिया है। जरा इस वीडियो में महसूस कीजिए कि वहां क्या सब हो रहा है। तो देखा आपने, ये कैसा मंजर है। ये उस वक्त हो रहा है जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक सामंजस्य बिठाने के लिए अमेरिका हो या रूस हो, कोशिशें शुरू कर चुका है। गाजा में राहत सामग्री भेजने की कवायद शुरू हो चुकी है। वहां अरब देशों से बातचीत करके इजराइल को रोकने के लिए एक रास्ता निकाला जा रहा है। अब देखिए कि अरब देश तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और अरब देश की फिलिस्तीन से नजदीकी अमेरिका को चुभती है। इस वजह से जो इजराइल से नजदीक सऊदी अरब हो रहा था, बाइडेन ने खुद कबूला कि जो नजदीकियां इजराइल और सऊदी अरब की हो रही थी उससे हमास शायद चिढ़ गया, यह भी हमला का कारण हो सकता है। और इस वक्त उनकी नजदीकियां बढ़ी तो अमेरिका समेत पूरा यूरोप, पूरा पश्चिमी देश ही छटपटा उठा। अब ऐसे हमले करके वो बता रहा है कि आप समझौते की बात करते रहिए, हम तो हमला करते रहेंगे। इस वीडियो पर यूनिस तिवारी ने लिखा भी है कि राफा बॉर्डर के हिसाब से उन्होंने लिखा है, इजरायली वॉर प्लेन्स टारगेटेड फिलिस्तीनियन सिविल डिफेंस यूनिट हु वेयर वर्किंग टू पुल आउट द डेड बॉडीज फ्रॉम द बिनेथ द रबल्स। टू मेंबर्स वेयर किल्ड एंड थ्री इंजर्ड। बताया जा रहा है कि जो इजरायली वॉर प्लेन्स ने फिलिस्तीनियन सिविल डिफेंस यूनिट को हमला किया, और ये बताइए ये वो काम कर रहे थे जो मानवता के नाते किया जाता है, कि इजरायल के हमले के बाद जो वहां तबाही के मंजर उत्पन्न हुए, वहां से
लोग जो मलबे के नीचे दबे हुए थे उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तभी इजराइल ने हमला कर दिया। जो लोग बचाने आए थे, जो लोग मानवता के नाते काम करने आए थे, वो सब इजरायली ताकत के शिकार हो गए, इजरायली हमले के शिकार हो गए। यहीं पे लिखा हुआ है कि 2 तो मारे गए, 3 इंजोर्ड हो गए। अब सोचिए कि ये किस कदर हमला करते हैं। डेड बॉडी, घायलों को बचाने के लिए कोई जाए तब भी इजरायली हमला कर देते हैं। ये मंजर बेहद ही खौफनाक है। ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, तब इन पर कोई सवाल नहीं करता है, लेकिन हमास को तुरंत आतंकी संगठन बताकर हमास के खात्मा का ऐलान दुनिया भर के देश करने लगते हैं। हालांकि इस बार माजरा ही बदल गया, जब हमास जैसे संगठन को लेबनान से लेकर सीरिया, तुर्की से लेकर मिस्र तक, सऊदी अरब, यूएई, हर किसी ने साथ देना शुरू कर दिया, तो इससे इजराइल की छटपटाहट और अमेरिका की बेचैनी सब बढ़ चली। अब इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि देर रात यह हमला चलता रहा, सारी रात गोले बारूद बरसाए गए हैं। moneycontrol.com का कहना है, इसमें लिखा गया, इजराइल हमास वॉर अपडेट्स। हमास के ठिकानों पर रात भर इजराइल ने बरसाया गोला बारूद। गाजा में 24 घंटे में 352 लोगों की मौत हुई है। सोचिए कि क्या मंजर रहा होगा, 352 लोग मारे गए। तो ये इजरायली चाहते हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन ये चोरी छिपे हमास पर हमला करेंगे, गाजा पर हमला करेंगे और लोगों को मारते रहेंगे। ये हमास के ठिकाने टारगेट करने के नाम पर सिविलियन को भी मारते रहते हैं। अब इस संबंध में देखिए जो रिपोर्ट है कि इजराइल रक्षा बलों का कहना है कि उसने रात भर गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों पर हमले किए। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि इन साइटों में आतंकवादी समूह से जुड़े कमांड सेंटर और अलग अलग कई इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। सेना का कहना है कि इसने कई एंटी टैंक जो हैं वो भी तबाह कर दिए हैं, ध्वस्त कर दिए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च साइट, ऊंची इमारतों में स्नाइपर ठिकानों पर भी हमला किया। आगे जानकारी है कि IDF ने यह भी बताया कि रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने देर शाम गाजा की सीमा के पास IDF असेंबली एरिया का दौरा किया और अभियान के विस्तार के लिए बलों की तैयारी की बारीकी से निगरानी की। गाजा की तरफ से भी हमास ने रॉकेटों की बौछार की, लेकिन जिस तरीके से ये लोग चुन चुन कर मारने की कोशिश करते हैं वो सरासर युद्ध नियमों के खिलाफ भी जाता है। युद्ध नियम के तो यहाँ पर खच्चे उड़ जाते हैं। यहाँ पे हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं कि जो नील हैगरी नाम के ट्विटर यूजर ने शेयर किया है। ये तस्वीरें हैं, बताया जा रहा है कि ये जो देर रात हमास पर हमले हुए, हमास के ठिकानों पर, गाजा पट्टी पर हमले किए गए, ये उसके विजुअल्स हैं, CCTV फुटेज भी कह सकते हैं आप। इसमें दिखाया जा रहा है 6 स्क्रीन में कि वहाँ कैसा तबाही का मंजर रहा है। इस विजुअल्स में साफ तौर पर दिखता है कि कैसे वहाँ एक एक धुएं के गुबार उठ रहे हैं, बर्बादी का मंजर दिखाई पड़ रहा है और धमाके देखिए, ऊंची ऊंची इमारतें ध्वस्त कर दी गई हैं। तो यह बेहद ही चिंताजनक खबर है और गाजा से ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Life TV, सच सबसे आगे।